बुलंदशहर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों ने बड़ा कदम उठाया है आवारा पशुओं को लेकर। जी हां, आवारा पशुओं से परेशान होकर किसानों ने ये कदम उठाया है। किसानों ने आवारा पशुओं को प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि फसलों में हो रहे नुकसान को लेकर किसानों ने ये कदम उठाया। गेहूं और सरसों समेत तमाम फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे गोवान, जिससे गुस्साए किसानों ने गोवांशों को प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया। ये पूरा मामला अनूपशहर क्षेत्र के गाँव बरेली स्थित प्राइमरी स्कूल का है। तो चलिए सुनाते हैं कि क्या कहना है ज्ञानेंद्र राघव का, जो किसान हैं, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में खुलकर बात की है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। आज रोरा के आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पिछले लंबे समय से जो छुट्टा गाय बैल थे, जिनके द्वारा जो है फसल को नष्ट किया जा रहा था, शासन प्रशासन से बार बार मांग की जा रही थी कि इन्हें पकड़ के गौशाला भिजवाया जाए। गौशाला न भिजवाने की स्थिति में और हताश में निराश किसान ने आज जो प्राथमिक पाठशाला रोराज में जूनियर के प्रांगण में लगभग आधा सैकड़ा 50 गौवंशों को यहाँ बंद कर दिया है। उप जिला अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, BDO को सूचना दे दी गई है, जिनसे मांग की गई है कि नया पंचायत बरौली पे गौशाला बनवाई जाए। भाजपा विधायक का नया पंचायत होने के बाद भी यहाँ जो है गौशाला का निर्माण नहीं कराया जा सका है, और ये जो हम लोगों ने ग्रामीणों ने ये बंद किए हैं, इनको जो निकटवर्ती गौशाला भिजवाया जाए। सोचा खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर